What is reversible reaction in dynamic equilibrium? Little detail. Suppose we have this reaction A plus B gives C plus D. तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. मीन्स फर्स्ट तो पहली थिंग ये हो गई कि हम रिएक्शन चाहे तो A प्लस बी को लेके शुरू करें तो इट विल गिव अस C प्लस डी. और अगर हम सपोज एक बीकर में C प्लस डी लिया तो वो हमें A प्लस बी देगा. ठीक है, मतलब हम कोई भी साइड भी चूज़ करेंगे हमें दोनों साइड मिलेगी. ठीक, मतलब केवल ऐसा नहीं कि हम A प्लस बी लेंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है. C प्लस डी भी लेंगे तो वी विल फाइंड A प्लस बी. नाउ रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में एक और पॉसिबल थिंग ये होती है कि जब ये कंडीशन जो है ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को रीच करता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज ये रिएक्शन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रीच करता है तो क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, मतलब ये जो रिएक्शन में मिक्सचर है ए बी सी डी, इनका कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है फॉर एट एनी गिवन टेम्परेचर. मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पे इनका कंपोजिशन सपोज कुछ, मतलब उनका एक टर्म हमने कंबाइन करके डिफाइन कर दिया के, तो ये गिवन टेम्परेचर पे जो भी होगा वो सेम होगा. मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ हमने ए कितना लिया बी कितना लिया या हमने सी लिया या डी लिया, मतलब कि अगर हमने सपोज ए बी लिया तो हमारा जो रिएक्शन कंपोजिशन आया इक्विलिब्रियम रीच करने पे वो सपोज के आया, और बाद में हमने लिया 2a और 2b तो जो हमारा k होगा वो सेम होगा फॉर ए गिवन टेम्परेचर. ठीक है, मतलब आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरली पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीशन उनका अकर नहीं होता, बिकॉज देर आर सम रिएक्टेंट विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट एंड दे डज नॉट कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट. मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, वो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, नाउ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये नेचर क्या है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का? नेचर कैसे कि अगर सपोज हमारा इक्विलिब्रियम है और हमारा के कोई वैल्यू है जो इनके कंपोजिशन मिक्सचर को डिफाइन कर रही है, ये इसकी वैल्यू सपोज 1.1 है, यू कैन से कोई भी एब्सर्ड वैल्यू हमने ले ली 1.1. अब क्या होगा कि सपोज आपने इस बीकर में कुछ ए डैश ए मिला दिया तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम जो पहले हमारा रिएक्शन यहाँ प्रोसीड था, अब ए हमारा ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन ये पॉइंट यहाँ ना होके थोड़ा सा आगे हो जाएगा ताकि के की वैल्यू हमारी 1.1 ही रहे. ठीक है, तो ये नेचर क्या है डायनेमिक हो गया. ठीक है, इस नेचर को डायनेमिक कहते हैं. दूसरा कि डायनेमिक क्या कि हमारा जो रिएक्टेंट है, ऐसा नहीं होता रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि ए और बी जो है वो सी और डी में कन्वर्ट होते हैं और सी और डी जो फॉर्म होते हैं वो ए और बी में कन्वर्ट होते हैं. इस तरह से रिएक्शन चलती रहती है, तो ये डायनेमिक नेचर हुआ. सेकंड थिंग कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हो रही है इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तभी पॉसिबल है. अगर सपोज रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा होता तो हमारा ए और बी कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि सी और डी तो स्लोली कन्वर्ट हो रहा है, तो ए और बी टोटली कन्वर्ट हो जाता, तो ऐसा नहीं होता. इक्विलिब्रियम के केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, दूसरा कि जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे हम, हमने देखा था कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है, तो यहाँ पर वो दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को फास्ट करेगा, दोनों को इंक्रीज कर देगा, आर एफ और आर बी को दोनों को ही वो इंक्रीज कर देगा. ठीक है, और थर्ड थिंग कि ये जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम है वो ईच साइड से आप पॉसिबल है, ए और बी लें या फिर सी और डी लें, तो दोनों साइड से ये चीज़ पॉसिबल है. ओके, तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड बाई फ्रॉम आइदर साइड. ठीक है, मतलब हम किसी साइड से भी इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ